वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। नेपाल की यात्रा कर वो लखनऊ पहुंचेंगे। कुशीनगर से लखनऊ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम की बैठक होनी है, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे और योगी के कई मंत्रियों को वो गुरु मंत्र भी देंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि अपना नेपाल का दौरा खत्म कर अब से कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंचेंगे, और आपको ये भी बताएं कि नेपाल की उनकी जो यात्रा है, उनका जो दौरा है वो खत्म हो गया है, पूरा हो गया है, और उसके बाद वो अब से कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे। कुशीनगर से लखनऊ जाएंगे पीएम मोदी, यानी कि अभी वो आपको बताएं कि कुशीनगर में है और अब से कुछ ही देर बाद वो लखनऊ के लिए वहां से रवाना होंगे। तो अब से कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बताएं कि 3:30 बजे तक वो नेपाल के लुम्बिनी इलाके में थे और वहां पर उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की। यहाँ पर 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल और भारत के संबंधों के लिहाज से जो उनका दौरा था, उनकी जो यात्रा थी, वो काफ़ी सफल और महत्वपूर्ण रही। लेकिन उसके बाद वो कुशीनगर में उसके बाद पहुंचे और अब कुशीनगर से लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर में वो लखनऊ भी पहुंचेंगे, जहां पर वो तमाम योगी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और यहाँ पर योगी के मंत्रियों को वो गुरु मंत्र भी देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी की बैठक होनी है, तमाम योजनाओं को लेकर वो चर्चा करेंगे, मंत्रियों को गुरु मंत्र भी देंगे और तमाम जो यूपी के मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बताएं कि नेपाल का दौरा उनका खत्म हो गया है, उसके बाद वो कुशीनगर गए और कुशीनगर से अब वो कुछ ही देर बाद लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। राजकुमार, नेपाल की जो यात्रा है वो सफल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे, क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की जन्म स्थली पर गए और एक नई अदावत लिखी। नेपाल के साथ जो रिश्ते पहले से बहुत शानदार रिश्ते हिंदुस्तान के रहे हैं, लेकिन एक नई इबादत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी। उसके बाद वो कुशीनगर आए। कुशीनगर में जहाँ पे गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है जो लेटे हुए हैं, वहाँ पर भी उसके दर्शन किए और उस पर एक उन्होंने चादर चढ़ाकर उसका अपना जो भी मंत्रोच्चारण के साथ जो पूजा अर्चना थी, पूजा अर्चना की। और प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है और प्रधानमंत्री अब हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। यहीं लखनऊ से अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह के अलावा जो वरिष्ठ सहयोग है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। और अमौसी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी होगी। प्रधानमंत्री उसके बाद मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है उस सरकारी आवास पर आएंगे। कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। तमाम जितने कैबिनेट मंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सारी समीक्षा, तमाम जो गतिविधियां हैं, जो गतिविधियां, जो सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं का क्या अपडेट है, यानी अब जो बैठक होनी है राजकुमार जी, वो भी कई मायनों में खास रहेगी। यहाँ पर मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे और पीएम मोदी अपने लिहाज से यहाँ पर गुरु मंत्र भी तमाम यूपी के मंत्रियों को देंगे और ये कई मायनों में खास हो जाती है। बैठक के बाद साफ होगा कि क्या कुछ निकल कर इस बैठक में सामने आया। आप अपनी नजर राजकुमार जी लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वही ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क पुलिस को चेकिंग के दौरान 9 साल का मासूम बच्चा लावारिस घूमता हुआ मिला, जिसे नॉलेज पार्क इंस्पेक्टर थाना लेकर गए। वहीं पर मासूम बच्चा बोलने में असमर्थ था, जिसके लिए थाना नॉलेज पार्क ने बच्चे की पहचान की अपील की है। और वहीं मैनपुरी शहर कोतवाली पुलिस ने लगातार हो रही लूट और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 1 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार भी होने में कामयाब रहा। आपको ये भी बताएं कि पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 65,000 रुपये नकद और 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि पकड़े गए आरोपी पहले भी लूट के अलावा टप्पेबाजी की तमाम वारदातों और घटनाओं को लेकर जेल में निरुद्ध रह चुके हैं। और वहीं सीओ सिटी विजयपाल सिंह ने कोतवाली में प्रेस वार्ता भी की और
प्रेस वार्ता के दौरान आरोपियों को मीडिया के सामने बेनकाब करने का काम किया। घटना है 10 तारीख में एक व्यक्ति पैसे निकाल के 2 लाख रुपए में जा रहे थे, इन्होंने टप्पेबाजी करके उसके पैसे निकाल लिए। अब ये पकड़े गए, 2 व्यक्ति पकड़े गए, एक फरार हो गया। ये घूम घूम के गाड़ियों में इस तरीके की घटनाएं करते हैं, ये इस तरीके की घटनाएं करने के आदमी हैं। 2 पकड़े गए हैं जिनसे 65,000 रुपये, 2 तमंचे और 2 खोखा, 2 कारतूस पड़े हैं। और अब सहारनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर गांव अलीपुर भागुवाला में ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराने के लिए जल निगम की तरफ से पेयजल योजना का निर्माण कराया गया था, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भीषण गर्मी के बीच भी पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गाँव में बनी पेयजल योजना पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। भाई पानी नहीं आया, रख तैयारी डंगर ऐसे है कि डंगरों को इतना भी नहीं, और जब डंगरों को छकाया का पानी पियाया था क्या इन्हें नुआया था, गर्मी में इतना बुरा हाल है रहा और बस हंकार मिचरी वाला, जब नहला तो कपड़े धोने को नहीं पानी मिल रहा है, इतनी बुरी तो आई है रही है कुछ न बात, और टंकी लगी थी उसका भी नहीं पानी आया रहा। महोदय, हम सब ग्रामवासी अलीपुर भागुवाड़ा के हैं और हमारे यहाँ ये जो पेयजल की प्रोजेक्ट लगी हुई है, ये तकरीबन करोड़ों की लागत से जो तैयार की गई है, तो ये गांव के पेयजल के लिए लगाई गई थी, जिसमें सरकार ने पैसा भी लगा दिया और ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं इन्होंने जो लाइन डाल ली है पाइपलाइन गांव में जाने के लिए, वो बहुत ही जर्जर स्थिति की है, 1.5-2 इंची का पाइप डाला और रास्ते भी ख़राब कर दिए, वो जगह जगह से वो दबने के बाद में वो पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो गांव में पानी आता था वो नागल माफी से आता था, ये प्रोजेक्ट चलता दिखा दिया और वो पानी वहाँ का हमारा वो भी बंद कर दिया, तो गांव के लोग अभी पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं पानी के अभी गर्मी में। देवबंद से अगली खबर आपको बताया, जहां पर अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान न छेड़ा है। दरअसल यहां पर प्रशासन ने अपात्र कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए 20 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं देवबंद SDM ने राशन कार्ड सरेंडर ना करने वाले लोगों के खिलाफ गाँव दर गाँव मुनादी कराकर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं दूसरी ओर आलिशान कोठी और गाड़ी होने के बावजूद भी लोग सरकार से राशन ले रहे थे। देखिए, राशन कार्ड का जो है बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारा सत्यापन करने का आया, लेकिन अभी भी बहुत सारे चिन्हित हुए ऐसे लोग हैं जो कि सरेंडर नहीं किए हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तहसील देवबंद में कुल मिला के 600 से ज़्यादा राशन कार्डों का सरेंडर हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोगों के सत्यापन में जो है, जो बहुत से हम सत्यापन किए हैं चिन्हित हैं और उन लोग सत्यापन नहीं, वो भी सरेंडर नहीं किए हैं, तो उनके विरुद्ध जो है 20 मई तक अभी है उनको सरेंडर करना है, समय है 20 मई तक, और यदि इसके बाद नहीं होता तो कार्रवाई करते हुए उनके मुनादी कराई जाएगी, उनका नोटिस चस्पा किया जाएगा और जो भी इसका जो भी विधिक रूप से और भी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज करने की इत्यादि कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर की फतेहपुर पुलिस और SOG ने 5 शातिर बदमाशों को मौके से धर दबोचा है। आपको ये भी बताते चले कि दरअसल ये चोर बिजली लाइन चोरी करने का काम किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 300 मीटर बिजली के तार और साथ ही 1,80,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं SP देहात सूरज राय ने जानकारी देते हुए ये बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र में काफी दिनों से बिजली लाइन चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। थानाध्यक्ष फतेहपुर सत्येंद्र नागर और क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर बिजली लाइन चोरी करने के खुलासे की लिए लगाई गई थी। मुखबिर की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस ने बदमाशों के पास से तार, 2 कटर, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, चाकू, नकदी और पिकअप गाड़ी बरामद की है। क्राइम ब्रांच सहारनपुर और थाना फतेहपुर पुलिस ने मिलकर एक बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इनको इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1,80,000 रुपये कैश, 300 मीटर बिजली का तार, तार काटने वाले उपकरण, 1 मैक्स पिकअप गाड़ी, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। देखिए, ये जो ठेकेदार होते हैं उनसे मिली भगत करके पहले लाइन में करंट उसको रुकवा देते थे और फिर इन उपकरणों का यूज़ करके
बिजली के तार काटते थे और इनको कबाड़ियों को बेच के या इसको मेल्ट करा के अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते थे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। रुकते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। अब बात करेंगे यूपी के शाहजहांपुर की, जहां पर उस समय पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब एक्सिस बैंक के प्रबंधक ने देर रात पुलिस को जानकारी दी कि बदमाश उनकी बैंक में लगे एटीएम को तोड़कर चोरी कर रहे हैं। और इतना सुनते ही थाने में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पलक झपकते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन गनीमत रही कि बदमाश एटीएम को ले जाने में असफल रहे। फिलहाल पुलिस टीम ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं, जिसमें बदमाश भागकर ट्रक में सवार होकर रफू चक्कर होते साफ नजर आ रहे हैं। आज दिनांक 16 मई 2022 को थाना सदर बाजार को एक सूचना मिली कि दो अज्ञात व्यक्ति एक प्राइवेट बैंक की एटीएम को तोड़कर पैसे चुराने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस सूचना पर थाना सदर बाजार ने तत्काल कार्रवाई की, वो मौके पर पहुंच गए। जैसे वो हूटर की आवाज़ सुनकर ये दोनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए थे। अभी हम ये दोनों अभियुक्तों का फुटेज सीसीटीवी फुटेज हमने कलेक्ट करके हमने दो टीम गठित कर दिया अभी थाना सदर बाजार के द्वारा। ये इसका जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा और इस संबंध में थाना सदर बाजार पर भी एक मुकदमा लिखी जा रही है। शाहजहांपुर में बुद्ध पूर्णिमा के खास मौके पर ढाई घाट गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण सुबह जाम के हालात देखने को मिले और इसी दौरान पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी साफ देखने को मिली, जिसकी वजह से पैंटून पुल पर भयंकर जाम की स्थिति बनी रही, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस खास मौके पर गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। आपको ये भी बताते चले कि कल रात से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ब्रजघाट के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। सनातन धर्म में इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इसको मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बहुत खास महत्व रखता है। मान्यता ये भी है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने महात्मा बुद्ध के रूप में 23वां अवतार लिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को बहुत धूमधाम तरीके से मनाते हैं। आज बैसाख मास की बुद्ध पूर्णिमा है। इसका किसी भी तीर्थ पर स्नान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। यहाँ अनेक राज्यों से आए हुए यात्रियों ने काफ़ी भारी मात्रा में स्नान करते हैं, यहाँ दान करते हैं, जप करते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। की जो तिथि है बड़ी ही पावन तिथि है बौद्ध पूर्णिमा। बौद्ध पूर्णिमा एक ऐसी अलौकिक तिथि है अपने नाम में ही, क्योंकि भगवान बुद्ध जो भगवान नारायण के अवतार हैं उनके ही नाम से आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। तो वट वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, काफ़ी वर्षों से उन्होंने ध्यान लगाया, समाधि में जब तप तपस्या में लगे रहे, कौन भगवान बुद्ध, और क्या मुझे भगवान के दर्शन हो, मुझे अटूट ज्ञान की प्राप्ति हो, जो अखंड ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो, इसमें तपस्या में वो लगे रहे। तो आज ही के दिन वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे और तप कर रहे थे, उनको भगवान का प्राकट्य दर्शन हुआ और प्राकट्य दर्शन को देख करके उनको अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति आज ही के दिन हुई और उसी से उन्होंने संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करा और बौद्ध धर्म के जो प्रशंसक हैं, प्रचारक हैं, उन्होंने उनकी स्मृतियों को बड़े ही भाव से सजो के संभाल के और बड़े ही सुखपूर्वक अपने हृदय में उतारा। वैशाख मास की पूर्णिमा का खासा महत्व होता है। आज ही के दिन जो है भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसको लेकर आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो आपको बता दें हम इस समय मौजूद हैं जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में और अगर बात ब्रजघाट की करते हैं तो कल रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और माँ गंगे में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा पाठ अर्चना कर जो है अपने घर की सुख शांति के लिए
हवन भी करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के दिन का खासा महत्व तो माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं इस पावन पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बताया ये भी जाता है गौतम बुद्ध का जो है भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्ध पूर्णिमा का खासा महत्व तो बताया जाता है, जिसका नज़ारा जनपद हापुड़ में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ गंगा स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। और वहीं नोएडा के सेक्टर 18 और साथ ही अट्टा मार्केट में आने जाने वाले मार्गों पर भीषण जाम की स्थिति बनी रहती थी। लोगों ने कई बार नोएडा ट्रैफिक विभाग से इसकी शिकायत भी की थी, जिसको लेकर नोएडा ट्रैफिक विभाग ने एक अच्छी पहल शुरू की है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 18 और अट्टा मार्केट वाले जगहों पर मार्गों पर ऑटो और ई रिक्शा को रोक लगा दी गई है, जिससे कि नोएडा के सेक्टर 18 और अट्टा मार्केट में जाम ना लग सके। वहीं नोएडा ट्रैफिक पुलिस की इस पहल को मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी प्रशंसा की गई है। नेटवर्क 10 के संवाददाता विनायक गुप्ता ने रूट डायवर्जन को लेकर जानकारी दी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस को लगातार जो है सेक्टर 18 के पास जाम की शिकायतें मिलती थी, इसी को लेकर के नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक अच्छी पहल की गई। आपको बता दें कि इस समय हम नोएडा के सेक्टर 18 के पास में हैं और यहां से सेक्टर 18 से 16 के सेक्टर जाने वाले मार्ग पर जो है अब ऑटो और ई रिक्शा को बैन कर दिया गया पूरी तरीके से, क्योंकि जाम लगने का कारण जो बताया जा रहा था वो ऑटो और ई रिक्शा जो भारी तादाद में यहां पर खड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से बहुत जाम लग जाता था और जो चालक थे उनको जाम का सामना करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं नोएडा ट्रैफिक की तरफ से एक अच्छी पहल चालू की गई है, क्योंकि नोएडा का सेक्टर 18 जो है वो छोटा कनाट प्लेस कहा जाता है, भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर मार्केटिंग शॉपिंग करने आते हैं। तो अतिक्रमण और जाम की स्थिति को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ये कदम उठाया है और इसके कदम के उठाने को लेकर के जो सेक्टर 18 का पूरा मार्केट है वो पूरा खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो ऑटो की वजह से जो जाम का सामना लोगों को करना पड़ता था अब नहीं करना पड़ रहा, जो गाड़ियाँ हैं वाहन हैं वो आराम से अब तेज़ी से अपने रास्ते निकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा ट्रैफिक तरफ से जो पहल की गई है वो एक अच्छी पहल की गई है। आपको बता दें कि ये ई रिक्शा है, ये ई रिक्शा जो है अब यहाँ से 16A होते हुए फिल्म सिटी के साइड से कट करते हुए पीर अट्टा होते हुए अब सेक्टर 16 और गोल चक्कर तक पहुँचेंगे। वहीं अगर बात करें तो सेक्टर 16 के साइड से आने वाले जो पीर अट्टा के पास से मैक्स अस्पताल है वहाँ से कट लेकर के सेक्टर 27 अंजलि मार्केट होते हुए एलिवेटर तक पहुंचेंगे, उसके बाद 37 सेक्टर तक पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सेक्टर 18 का मार्ग है वह पूरी तरीके से जाम मुक्त करने के लिए ऑटो और रिक्शा को बैन कर दिया गया है। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और अब खबर इटावा से आपको बताएं, जहां पर थाना जसवंत नगर में दिन दहाड़े 35 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बताएं कि ग्राम मदनपुरा में बिजली चेकिंग को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष ने महावीर उर्फ बजरंगी नाम के युवक को गाड़ी से टक्कर मारने के बाद पैर में गोली मार दी, जिसे थाना जसवंत नगर पुलिस ने इटावा जिला अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया। इटावा जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सैफई पीजी आई उसे रेफर कर दिया गया। झगड़े के दौरान लगभग 8 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 नामजद हैं और 2 अज्ञात हैं। तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यूपी के इटावा का ये पूरा मामला है, जहां पर 35 साल के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। थाना क्षेत्र जसवंत नगर के मदनपुरा गांव में एक घटना हुई है और उसमें एक नवयुवक हैं महावीर यादव, इनको जांग में गोली लगने की बात प्रकाश में आई है। इन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, डॉक्टरों ने बताया है खतरे से बाहर हैं और पैर में भी नीचे पैर में भी कुछ चोट है। इनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कासगंज जिले के थाना सिकंदरपुर वैश्य के टिकुरी गंगा घाट पर नहाने आए 3 दोस्त गहरे पानी में डूब गए, जहां बदायूं जनपद के थाना कादर चौक के गांव खिरिया निवासी 3 दोस्त राजीव, राकेश और सोमवीर बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल वे कादरगंज गंगा घाट के नजदीक टिकुरी गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे कि तभी राजीव गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्त को डूबता देख राकेश उसे बचाने के लिए गहरे पानी में उतर गया और वो भी डूब गया। दोनों दोस्तों को डूबता देख सोमवीर भी बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ पानी में उतर गया और डूबने लगा।
चीख पुकार सुनकर गंगा घाट पर मौजूद ग्रामीण गोताखोरों ने उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी और सोमवीर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश को मृत अवस्था में गंगा से बाहर निकाला गया। वहीं लापता राजीव की खोजबीन जारी है। गंगा नहाने आए थे जो इसमें डूब गए थे, एक लोग जो मृत्यु हो गए, एक लोग बच गए, एक लोग लापता हो गए। क्या लोग डूबे थे? तीन लोग। कौन से गांव के रहने वाले थे? फेरिया बागरपुर। कौन से थाना पड़ता है ये? कादे चौक। जिला? बदायूं। अभी एक लोग लापता है? हाँ जी। पुलिस पहुंची मौके पर? पुलिस तो आ गई है। जैसे की हालत सीरियस है, वो कहाँ है? वो तो सही है। और वहीं हापुड़ पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले दो तस्करों को मौके से धर दबोचा है। दरअसल पुलिस ने इनके पास से करीब 100 किलो नशीला पदार्थ बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत मार्केट में करीब करीब 8 लाख रुपए आके जा रही है। पकड़े गए दोनों तस्कर आसपास के क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी किया करते थे। आपको ये भी बताते चले कि थाना धौलाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ ये अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये धौलाना पुलिस टीम के द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका कब्जे से 100 किलो जो गांजा है वो बरामद हुआ है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 8 लाख रुपए है। इसमें जो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक का नाम सनी है जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा सुनील है जो कि जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। ये जो गांजा सप्लाई करते थे, ये पिपलेड़ा में एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है, उसको गांजा सप्लाई करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी है ये, जो उसमें उड़ीसा से ये माल लेके आते हैं और फिर जो खेतों में, विभिन्न जनपदों में खेतों में जो ट्यूबवेल होते हैं वहाँ पर रखते हैं, और फिर लोकली उसको अकॉर्डिंग टू डिमांड अलग अलग जो जनपद हैं उनमें इसको बेचते हैं। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।